पीस मॉडल करते हैं जो कि हम यूज कर सकें। तो उस सिनेरियो में इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, वाई पे दोबारा क्लिक कर रहा हूँ, और अब अपना चेस पीस जो कि पॉन होता है, अगर आपको नहीं पता पॉन का तो मैं इसको इंपोर्ट करता हूँ यहाँ पे ब्लेंडर में, ठीक है, और स्केल कर देते हैं। आप इमेज ना सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं तो इंपोर्ट हो जाती है। तो प्रॉपर तरीका जो ट्रेसिंग है ना वो यही है जो मैं करने जा रहा हूँ कि आपने इमेज इंपोर्ट की, डाल दिया इसमें। अब इसकी एक साइड हमने बस यहाँ से मैं ना ऑप्शन पे जाके ओरिजिन को ख़त्म कर रहा हूँ फिलहाल। तो वाई पे क्लिक किया और इसको सेंट्रलाइज कर दिया ताकि हमें कुछ सब कुछ नज़र आए। ये एम्प्टी इमेज है, इसको बाद में हम डिलीट कर देंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ऐड पे जाएं, सिंगल ऑब्जेक्ट पे जाएं, और सॉरी मैश पे जाएं, सिंगल वर्टेक्स पे जाएं और ऐड वर्टेक्स। तो स्टार्ट करते हैं इसको ट्रेस करना। यहाँ पे क्लिक किया, अच्छा यहाँ पे कर्व नहीं बनेगा तो आपने क्या करना है, कर्व को अच्छे तरीके से कवर कर लेना स्ट्रेट लाइंस के साथ। तो वो आपका क्या होगा कि एटलीस्ट आपको कुछ ना कुछ, मैं जूम कर देता हूँ और मैं तेजी से करूंगा इसको ताकि टाइम ना जाया हो, लेकिन आपको आइडिया हो जाएगा कि मैं कर क्या रहा हूँ। वर्टेक्स बनाना शुरू किया, ई से इसको एक्सट्रूड किया जैसे कि मैंने पहले बताया था, और जो कर्व्स हैं उस कर्व्स पे मैं क्या करूंगा, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसको कवर करने की कोशिश करूंगा विद द हेल्प ऑफ सम पॉइंट्स। पूरा तो नहीं कवर कर सकते ऑब्वियसली कर्व को, लेकिन स्ट्रेट लाइन है तो इसलिए एक उसके इर्द गिर्द हम एक स्ट्रक्चर बना लेंगे ताकि उसका एक लेआउट बन जाए। और फिर उसके बाद जब हमारा ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो स्ट्रेट लाइंस को हम कैसे कर्व करेंगे ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। हम उसको करते हैं दो तरीकों से, एक है एक मॉडिफायर है और एक है हमारे पास स्मूथ सरफेस राइट क्लिक करके जो आता है। ये सब चीज़ें अभी हम करेंगे, ठीक है। ये एक PNG जो है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, और जब ये हो जाएगा फॉलो तो फिर अगली बात हम करते हैं। वैसे ना मुझे इमेज की ना ओपेसिटी कम करनी चाहिए थी ताकि मुझे अपनी लाइंस जो ये पीछे जा रही है ना वो एटलीस्ट नजर आ जाती। कोई नहीं, हो जाएगा ये। अब आप इतनी देर में ये सोचें कि अगर मैं इस पॉन स्ट्रक्चर पॉन को, इसको पॉन कहते हैं वैसे, अगर इसको नॉर्मल मॉडलिंग के थ्रू बनाऊं जो कि स्फेयर और सिलेंडर्स और क्यूब के साथ हो तो कितना टाइम लग जाएगा। और अभी जैसे ही मैंने ये कंप्लीट करना है अपना ट्रेसिंग, तो ये मेरा पॉन कंप्लीट हो चुका होगा। सिर्फ ऊपर वाला सर्कल रह गया, उसको भी कर लेते हैं। ठीक है, हो गया। इसको जूम आउट करते हैं, इस इमेज को किया मैंने हाइड। तो ये मेरे पास बन गया है एक लेआउट अपने पॉन का। अब इस पे और ऐड मॉडिफायर किया, ऐड मॉडिफायर जनरेट स्क्रू। तो ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा हमारे पास हमारा पॉन बन गया है चेस पीस का। इसको अब स्मूथ करना है जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा। राइट क्लिक करें सबसे पहले तो, लेकिन उससे पहले आपने जाना है ऑब्जेक्ट मोड पे, इसको राइट क्लिक करें और शेड स्मूथ कर दें। एक तो यहाँ से थोड़ी स्मूथनेस आ जाएगी, सेकेंडली आप चाहे मॉडिफायर पे और एक और मॉडिफायर ऐड कर दें जो कि होता है सब डिवीजन सरफेस। थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद ये स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। तो ये स्मूथ हो गया। अब इससे बड़ा एडवांटेज क्या है कि आपने इतना कॉम्प्लेक्स मॉडल बनाया है विद द हेल्प ऑफ जस्ट स्क्रू मॉडिफायर और कुछ भी नहीं किया, ठीक है। तो इसका रेंडर में देखते हैं कि कैसी शक्ल बन रही है इसकी। लाइटिंग वगैरह हमने नहीं सेट की तो वो प्रॉब्ली इसकी शक्ल नहीं आ रही होगी। ठीक है, लाइटिंग है। अच्छा मैंने डिलीट नहीं किया था, इसको थोड़ा सा हम पीछे मूव कर लेते हैं, ठीक है। तो इट लुक्स ग्रेट। आप लोग भी एक्सपेरिमेंट करें ये स्क्रू मॉडिफायर से, और एटलीस्ट आपको स्क्रू मॉडिफायर में मसला नहीं आना चाहिए। अरे और स्क्रू मॉडिफायर, ये दो ऐसे मॉडिफायर हैं, स्क्रू मॉडिफायर और अरे मॉडिफायर,
अरे मॉडिफायर के साथ वो बेवल जो मैंने आपको बताया था, बेजियर कर्व, उस बेजियर कर्व को अरे के साथ हमेशा आपने जोड़ना है ताकि आपको पता चले कि वो पैटर्न बनता है उसके साथ। तो इसमें यह है कि इन दोनों की प्रैक्टिस करें। असाइनमेंट मैंने आपको उसकी भी दी थी, अरे की भी, कि आपने वो बनाना है कुछ भी उसको विद बेजियर कर्व बनाना है, तो असाइनमेंट है सिंपल। तो आप अरे से जो मर्जी कर लें वो तो इट्स टू द पॉइंट, लेकिन बेजियर कर्व में देखना चाहता हूँ आप लोगों की प्रैक्टिस हुई है कि नहीं। और सेकंडली स्क्रू को आप स्क्रू मॉडिफायर में भी कोई भी कॉम्प्लेक्स चीज जो आपको लगता है 360 डिग्री में घूम के बनती है आप वो बनाएं, और ये दो आपके असाइनमेंट्स हैं, आपने सबमिट करनी है नेक्स्ट क्लास से पहले। नेक्स्ट क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह फ्राइडे को।